उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जहां पर विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। यह मंदिर भारत के चार धामों में से एक धाम है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में केवल सनातनी ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में एक बार इंदिरा गांधी को भी प्रवेश नहीं दिया गया था, क्योंकि उसने एक गैर सनातनी से शादी की थी। यह मंदिर कई सारी रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में फहराता है, और इस ध्वज को हर दिन चेंज किया जाता है, यानी हर दिन एक नया ध्वज लगाया जाता है। इस मंदिर के ऊपर से प्लेन तो क्या, एक पक्षी भी नहीं उड़ सकती है। यह मंदिर समुद्र के किनारे है, लेकिन जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको समुद्र की ध्वनि बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, लेकिन जैसे आप मंदिर से बाहर आएंगे आपको समुद्र की ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी। सामान्यतः समुद्र के किनारे हवा जो है समुद्र से जमीन की ओर आती है, और शाम में इसका विपरीत होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। ऐसे ही अनोखे रहस्य हैं जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसका आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता है, और ऐसा सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है।